Hey you all, welcome to Mentor Engineer. This is Sushant. Today I am going to discuss list of documents required for IIT, NIT, IIIT and other GFTI offered by JOSA seat allocation of 2019. So let's start the video. देखिए आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेगी, आप जब सेंटर में जाएंगे तो उस चीज़ों को मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट रहेंगे उन लोगों को अपना पूरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उस ओरिजिनल सर्टिफिकेट के 3 फोटोकॉपी को आपको साथ में लेके चलना है। जब कभी आप वहाँ पर जाएंगे और रिपोर्टिंग करेंगे तो वो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट को देखेंगे, टैली करेंगे और उनमें से कोई एक आपका जो रहेगा पूरा आप बंच बना के रखिएगा, वो बंच को आप अपने पास वो रखेंगे और आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। 2 से 3 कॉपी इसलिए बोल रहा हूँ, वो आपके पास क्या रहे, एक एडवांटेज में रहे। तो आप लोग को ये चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट यही था कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट पूरे लेके जाना है और उसकी फोटोकॉपी आपको रखना है। तो कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाना है वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो जो सबसे पहला है वो आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर जो आप लोगों को मिला, जो आपका प्रिंट आउट आपने की प्रूफ ऑफ सीट एक्सेप्टेंट फी पेमेंट जो आपने की है उसका आपको एक लेटर लेके चलना है। दूसरा आपका एडमिट कार्ड, ओरिजिनल एडमिट कार्ड जो रहेगा उसको आपको लेके चलना है। आपको 3 पासपोर्ट फोटो साइज लेके चलना है, वो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था उसी का आपको 3 फोटो लेके चलना है। फिर आपको JEE का जो आपको स्कोर कार्ड मिला है जो आपको CBSE से इशू हुआ है उसका आपको एक प्रिंट आउट लेके आना है। फिर आपको जो एडमिट कार्ड दिया गया था JEE मेन का एडमिट कार्ड वो आपको लेके आना है। फिर क्लास 10th की जो आपको जो मार्कशीट दी गई है उसको आपको लेके आना है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के हिसाब से यूज़ होगा। और फिर आपका क्लास 12th का जो है मार्कशीट को लेके आना है और इसमें जो है आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी दिया गया रहेगा तो इसको भी आपको लेके आना है। फिर आपका एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि आप आधार कार्ड को एक का जो है ना उसका प्रिंट आउट लेके आइएगा, वो आपका फ़ोटो को जो है ना प्रूफ करने के लिए रहेगा। फिर आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के लाना है कि आप फिट हैं कि नहीं है, तो आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लाना है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। अगर आप PWD सर्टिफिकेट में आते हैं तो वहाँ पर आपको उस सर्टिफिकेट को लेके आना है। और अगर आप OCI या PIO सर्टिफिकेट यानी कि आप फॉरेन बेस्ड या इंडियन वाले अगर हुए तो उस चीज़ का भी आपको सर्टिफिकेट लेके चलना। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपको पूरा ओरिजिनल लेके चलना है और उसकी 3 कॉपी को आपको साथ में ले आना। ये सर्टिफिकेट्स थे आपके डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेगा आप जब रिपोर्टिंग करने जाएंगे सेंटर में। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट्स होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कहाँ पर कैसे कैसी प्रॉब्लम्स है, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट का मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा। तो वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।